अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, चाहे वो एमटी से आती हो, चाहे वो बाकी टेस्टिंग सर्विसेज से हो, चाहे वो जूनियर क्लर्क के लिए हो या ऑफिस असिस्टेंट के लिए हो, जितनी भी हैं वो सारी हम इन वीडियोज में कवर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 1000 प्लस एमसीक्यूज का एक प्लेलिस्ट बनाऊँ जिसमें हर किस्म के एमसीक्यूज कवर हों विद डिटेल विद एक्सप्लेनेशन। ये है हमारा टेस्ट का पैटर्न जो यूजुअली जूनियर क्लर्क के लिए आता है। ऑफिस असिस्टेंट के टेस्ट के लिए भी तकरीबन यही है, पर वो थोड़ा सा इससे मुश्किल होगा। उसके ऊपर भी हम वर्किंग जरूर करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, हमारा पहला एमसीक्यू, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे पास आता है चिनाब, जबकि शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान हमारे पास आता है रावी। दूसरा, सेंडक प्रोजेक्ट इज प्रोड्यूसिंग कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड विद द हेल्प ऑफ, जाहिर बात है और याद से ज़्यादा प्रोजेक्ट तो चाइना ही कर रहा है, तो ये भी चाइना ही हुआ। मुस्लिम बाग जो क्रोमाइट के लिए बहुत फेमस है वो किस सूबे में आता है? बलोचिस्तान। हंगोल डैम जिसका नाम भी मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ वो भी बलोचिस्तान में आता है। बैटल ऑफ हूनैन की जंग कब लड़ी गई थी? ये 8 हिजरी में लड़ी गई थी। इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पर मैंने देखा है कि आया है, और वो है कि फतेह मक्का की जंग कब लड़ी गई थी, वो भी 8 हिजरी में। इसके साथ साथ एक और एमसीक्यूज है जो इसी से रिलेटेड आता है कि मक्का फतह होने के बाद फौरन बाद कौन सी जंग लड़ी गई थी, तो वो भी हुनैन जंग थी। हु प्रपोज अजान, पहली दफ़ा अजान की तजवीज़ किसने दी थी? वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। Who was the key holder of Kaaba? हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अच्छा, ये वाला जो है ये एमसीक्यू थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, जिसमें आता है कि करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना कौन है। करंट प्राइम मिनिस्टर है वो ली की क्वांग, जबकि करंट प्रेसिडेंट जो है वो शी जिनपिंग है। इनमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म। आना तो बाय हार्ट आना चाहिए, पर यहाँ पे बाय नहीं है, यहाँ पे टू इज द करेक्ट आंसर। द सिनोनिम ऑफ एम्बेजल इज, एम्बेजल का जो उर्दू मीनिंग है वो है गबन करना, जबकि इसमें तो दो में कंफ्यूजन आ रही है, एक मिस अप्रोप्रिएट में, एक री मेनोरेट में, जबकि मिस अप्रोप्रिएट ज़्यादा बेहतर है। री मिनोरेट जो है वो है मुआवजा, और एम्बेसल का जो मतलब है वो है गबन करना, तो मिस अप्रोप्रिएट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। द कैपिटल ऑफ निकारागुआ, निकारागुआ का जो कैपिटल है, ये निकारागुआ जो है ये मेक्सिको के साथ एक कंट्री है, उसका नाम निकारागुआ है, जबकि इसका कैपिटल है मनागुआ, और इसकी जो करेंसी है वो है कोर्डोबा। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ बर्ड और अ फ्लॉक फ्लाइंग टुगेदर इन 100 और इवन इन 1000 एक जून में चल रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसका मर्मोरेशन बोला जाता है। WHO ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? वो है जिनीवा, जो एक स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। नमाज का नाम कितनी दफ़ा आया है कुरान में? ये तकरीबन 700 मरतबा रिपीट हुआ है। If x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this, then find the value of this. बहुत ईजी है, x की जगह 3 डाल दें, y की जगह 2 डाल दें, z की जगह 1 डाल दें, और सिंपल प्लस माइनस कैलकुलेशन है। इसको सॉल्व करने के बाद 51 आंसर आता है। 16 नंबर है, इस्लामिक कैलेंडर सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रीगेन वाज, इस बुक का ऑथर कौन? ये एक इंग्लैंड का ऑथर है और इसका नाम है जॉन मिल्टन। GW, बेसिक GW स्टैंड फॉर, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, गेटवे, और ये ज़्यादातर इंटरनेट से रिलेटेड ही है, नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड। करेंसी ऑफ फिजी इज, फिजी की जो करेंसी है वो है डॉलर। अमेरिकन, कैनेडियन और फिजी तीनों डॉलर है, पर इनके रेट्स मुख्तलिफ होते हैं, जबकि इन फिजी का कैपिटल जो है वो है सुवा। स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमारे पास है एरकेटिक,
जबकि लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, ऑफ द अर्थ है, वो है हमारे पास पैसिफिक। हु इज द करंट किंग ऑफ ओमान? जो हमारे पास करंट किंग ऑफ ओमान है वो है हैतम बिन तारिक, जबकि राशिद अल मक्तूम जो है वो है दुबई का। इसका पूरा नाम है शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। और सलमान बिन अब्दुल अजीज जो है वो है हमारे पास, वो है हमारे साथ सऊदी अरेबिया का, और उसका पूरा नाम है, अक्सर इसमें मिस्टेक आती है, मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज पूरा नाम है, या सलमान बिन अब्दुल अजीज लिखा होता है। नंगा पर्वत माउंटेन की पीक को क्या कहा जाता है? इसको किलर माउंटेन कहा जाता है। नंगा पर्वत इज द पार्ट ऑफ, ये किस पहाड़ी की रेंज में आता है? एक हिमालय है और एक काराकोरम है। इस दोनों में अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट ये है कि काराकोरम जो है वो K2 में आता है। काराकोरम से K स्टार्ट हो रहा है और K से K2 भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ मर्ज कर रहे कि K आ रहा है तो बस काराकोरम में, और बाकी दूसरा जो है उसको हिमालय में डाल दें। K2 को एक और नाम भी लिया जाता है जिसको कहते हैं गुडविन ऑस्टिन, जिसका मुझे भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता लगे तो आप सर्च करें और मुझे भी इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दें। हमारा जो अर्थ है ये सन से कौन से नंबर पे आता है? एक सोलर सिस्टम है जिसमें फर्स्ट प्लैनेट आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक है। इसमें जो फर्स्ट आता है, थर्ड हमारे पास है वो है अर्थ, जबकि फर्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है मरकरी, सेकेंड हमारे पास जो आ रहा है वो है वीनस, और थर्ड अर्थ हो गया, और फोर्थ जो है वो हमारे पास आता है मार्स। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 796096 मुरबा किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। इसी से रिलेटेड अगर आप अपने सूबे में टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो KPK में हो, तो अपने एरिया का स्क्वायर किलोमीटर लाजमी याद करते जाए, ये उससे एक MCQ लाजमी आता है। पाकिस्तान के क्रिएशन से पहले कौन सा रेडियो स्टेशन ऐसा था जो उससे पहले बन चुका था? हमारे पास वो पेशावर है। इस तरह के तीन स्टेशन है जो पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद थे। वो पहला एक था लाहौर, 1937 में बना था, पहले ढाका 1939 में, दूसरा लाहौर 1937 में, और तीसरा 1935 में। पेशावर वाला सबसे पुराना। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, ये लंबी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं कोशिश करूँगा कि और इसी तरह अब आगे जाके हम थोड़ा सा इसको टफ करेंगे, लेकिन ये ज़रा ईजी था, तो कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा हो कि आपको मेमोराइज होता जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके अपने टेस्ट है जिस पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं भी उसको रिसर्च करूँ और हम उसको साथ मिलकर सॉल्व करें। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।